ट्विंस माय वर्ल्ड के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। आई एम सो सॉरी, बहुत सारी मुसीबतों के साथ ये वीडियो बना रही हूँ, तो कोई भी अगर आपको एक्सटर्नल आवाज़ या फिर ऐसा कुछ सुनाई दे तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। दोनों बच्चों को काफ़ी मैनेज करके मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, और खुद के बच्चे तो क्या, बहुत सारे मोहल्ले के भी जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी आज डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो काफ़ी अगर साउंड आएगा तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि आज की वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में लगने वाले जो इंजेक्शन्स हैं उनके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है उस समय जो महिला का शरीर होता है वो काफ़ी नाजुक हो जाता है, वो काफ़ी ससेप्टेबल हो जाती हैं, किसी डिजीज़ को बहुत जल्दी कैच कर लेती हैं। तो इन सब से बचाव करने के लिए हम कुछ इंजेक्शन्स लगाते हैं जिससे उनके और उनके बच्चे दोनों का बेहतर से ख्याल रखा जा सके। तो जो सबसे कॉमनली जो देखा जाता है जो इंजेक्शन्स में वो होता है टिटनस का इंजेक्शन, आप लोग सुने भी होंगे। टिटनस के दो शॉट्स लगते हैं, यानी दो बार इंजेक्शन्स लगते हैं। पहला होता है आपको 27th वीक, यानी कि अगर मंथ में देखा जाए तो 7वें महीने में आपको पहली डोज पड़ती है, और जो नेक्स्ट जो इंजेक्शन पड़ती है वो उसके 1 महीने बाद यानी कि 4 वीक के बाद उसकी दूसरी शॉट पड़ती है। तो ये तो टिटनस के उन्होंने दो शॉट्स को रिकमेंड किया है डॉक्टर्स ने। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये आपकी दूसरी प्रेगनेंसी है, जैसे पहली अगर प्रेगनेंसी है उसमें तो दो शॉट्स आपको लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन अगर आपकी दूसरी प्रेगनेंसी है और आपको पहली प्रेगनेंसी से अगर 2 साल या 2 साल से कम ही हुआ है तो उस केस में आपको सिर्फ एक ही इंजेक्शन लगेगा जिसे हम बूस्टर इंजेक्शन कहते हैं। और अगर मान लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा अरसा हो गया है आपकी पहली प्रेगनेंसी और अब वाली प्रेगनेंसी में, तो उस समय आपको 2 शॉट्स कंप्लीट लगते हैं। ये तो हुई टिटनस की इंजेक्शन। लेकिन आज टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा विकसित हो गई है, तो अब डॉक्टर्स जो होती हैं वो TDAP यानी कि जो टिटनस का इंजेक्शन है उसके साथ साथ दो और डिजीज़ को भी कवर करती हैं, जिसका नाम है डिप्थेरिया और पर्टूसिस, यानी कि ये जो तीनों चीज़ एक ही इंजेक्शन में कवर हो जाती हैं। तो आपके डॉक्टर्स आपको 7वें महीने में ये चीज़ ज़रूर रिकमेंड करेंगी। अगर उन्हें उनसे कभी अगर देरी भी हो जाए तो ज़रूर उसके सामने से आप उनसे पूछ लीजिए। दूसरा जो इंजेक्शन जो देखा जाता है वो होता है हेपेटाइटिस बी का। हेपेटाइटिस बी अगर कोई ऐसी महिला है, जैसे नॉर्मली तो नहीं ही पड़ता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई महिला हाई रिस्क पे है, उनको हेपेटाइटिस बी होने की संभावना है, या फिर आपकी डॉक्टर अगर आपको सजेस्ट करती हैं एज़ प्रिकॉशंस, तो उसके भी शॉट्स आपको लगते हैं। और जो तीसरा जो शॉट होता है वो होता है इन्फ्लुएंजा का शॉट। इन्फ्लुएंजा, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि फ्लू से बहुत ज़्यादा प्रोन होती हैं, बहुत जल्दी कैच कर लेती हैं फ्लू, तो उनके लिए जो बहुत सारे ऐसे रीजंस में भी कई बार फ्लू के भी चांसेस देखे गए हैं, तो अगर आपकी डॉक्टर आपको रिकमेंड करती हैं या फिर उन्हें जब आपको सूटेबल लगता है आपकी बॉडी के लिए, तो ही आपको ये शॉट्स पड़ते हैं इन्फ्लुएंजा का, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं होता है। ये तीनों शॉट्स तो बहुत सारे मतलब लोग जानते होंगे, लेकिन जो दो और शॉट्स हैं उसके बारे में भी आज इस वीडियो में डिस्कस कर दूं। जो एक शॉट होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन का शॉट। जैसे कि किसी महिला का यूटेरस अगर इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, या फिर ट्विन प्रेगनेंसी है या मल्टीपल प्रेगनेंसी है जिससे कि उनके यूटेरस पे वो अगर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है 2 बच्चे या 3 बच्चे या जितने भी हैं उनको कैरी करने के लिए, तो उनको एक सपोर्टिव सिस्टम के तौर पर प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन की इंजेक्शंस लगती है। और कई बार तो इंजेक्शन नहीं भी लग के बहुत सारे जो डॉक्टर्स होती हैं वो गोलियां भी प्रेफर करती हैं, या फिर वजाइनल गोलियां भी आती हैं, वो सारी भी चीज़ें दी जाती हैं ताकि आपके यूटेरस का जो सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा रहे। आपकी जो यूटेरस की लाइनिंग होती है वो काफ़ी थिक होनी चाहिए जिससे कि आपकी पूरी प्रेगनेंसी काफ़ी आराम से जाए, वो बच्चा अच्छे से सस्टेन कर पाए प्रेगनेंसी। तो इसलिए प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस काफ़ी ज़रूरी होते हैं। और जिन महिलाओं में प्री मैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस अगर ज़्यादा रहते हैं, मान लीजिए ड्यू टू कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसीज है, ट्विन प्रेगनेंसीज या अदर भी, या फिर डॉक्टर्स को अगर उनसे ऐसा लगे कि ये बच्चा शायद पहले आ जाए, कुछ अगर कॉम्प्लिकेशन है, स्टेरॉइड की शॉट्स अगर लगती है प्रॉपरली, तो उससे बच्चे की जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होती है वो काफ़ी बूस्टअप हो जाती है। इनकेस अगर प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, उस केस में जो बच्चा है वो सर्वाइव करे, उसकी सर्वाइवल की चांसेस ज़्यादा रहें, इसलिए जो डॉक्टर्स होती हैं वो 28 वीक और 30 वीक के अंदर
वो स्टेरॉइड्स के शॉट्स दे देती हैं और बच्चा 28 और 30 वीक के बाद से बचाने के उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर उसके पहले अगर प्री मैच्योर डिलीवरी होती है तो बच्चे के चांसेस भी थोड़े कम हो जाते हैं सर्वाइवल के। इसलिए डॉक्टर्स एज अ प्रिकॉशन भी आपको स्टेरॉइड्स के शॉट्स लगाती हैं अगर उनको कुछ डाउट हो या नहीं भी हो। जैसे ट्विन प्रेगनेंसी या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसीज में डॉक्टर खुद ब खुद आपको सजेस्ट कर देंगी कि आपको स्टेरॉइड्स के शॉट्स लगने चाहिए। अगर उनसे अगर मान लीजिए कि अगर वो भूल गई या फिर कुछ देरी हो रही है तो आप खुद से अपने डॉक्टर से ये बातें आप बोल सकते हो या रिमाइंड करा सकते हो, उसमें कोई भी हर्ज नहीं है। क्योंकि देखिए आपका बच्चा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर जितना ज़्यादा आप अवेयर रहिएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, मैं अपनी सारी अपडेट्स आपको देती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।